ये देखें मार्केट, कुछ हिमाचली ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ रखी हुई हैं। ये अभी हम आ चुके क्लब हाउस में के पास ही, और ये लेडीज चप्पल देखिए आप, और ये क्या खूबसूरत डिजाइनिंग है इस पे देखिए, और ये बच्चों की कुछ खेलने की चीजें हैं, और ये कुछ शॉल है हिमाचली, और ये गेम होते हैं इधर कुछ, और जिपलाइन होगी यहाँ पे। जिपलाइन करनी नहीं है अपने को करनी है रिवर जैम्पिंग, रिवर क्रॉसिंग। देखें आप, ये लोग कुछ तैयार हो रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर खूबसूरत नज़ारा ये देखें। और प्रवीण जी साथ हैं मेरे, हाय। प्रवीण जी आगे तो बोलो, हेलो कैसे हो, बढ़िया। हाँ और बोलो ना कुछ, इतना ही बोल रहे हो तब से बस। हमारा यहाँ का नज़ारा देखें, हाँ वो तो मैंने बोल दिया, आगे बोलो। चलो ठीक है, इतना बहुत है। जो है ये प्रवीण जी और मामा जी रेडी हो रहे हैं। हमारे दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस स्टंट को घर पे ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ये स्टंट अंडर एक्सपर्ट किया जाता है। इन दोनों ने पहले 6 महीने की ट्रेनिंग ली है इस स्टंट के लिए, फिर आ रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रवीण जी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं आगे आगे होता क्या। देखिए दर्शकों से अनुरोध है, इस स्टंट को करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें आपके फेफड़े गले में भी आ सकते हैं, जैसे प्रवीण जी के आएंगे अब। प्रवीण जी एक बार शक्ल तो दिखा दो सर, कपड़े खराब हो गए, गीले हो जाएंगे। नहीं वो सब मारे, इतना नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, आपके तो जरूर आ रहा है, जरूर आ रहा है, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। चलो दो बारी समझ जाओ, चाहे कुछ भी हो, पकड़ के रखना, पकड़ के रखना रस्सी, वो पकड़ो, ये चलो चलो। अरे मामा जी गए, अरे प्रवीण जी गए, और प्रवीण जी की रस्सी फंस गई। चलेगी मामा जी का आगे, अब मामा जी तो भाग गए भाई। कितने राउंड लेंगे? एक राउंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर आ रही है, ऐसे करके बनाओ, ऐसे करके, मेरी पे ऐसे करके बनाना। नहीं, मैं आपकी तो और सीधी बनाऊं। जुलाओ तो भैया, जुलाओ जुलाओ, मेरे को काम हो गया। ओ मजा आ रहा है प्रवीण जी, बोलो भाई। और ये बच्चे हमारे जा रहे हैं दोनों, कैसा लग रहा है? गाइस इस स्टंट को घर पे करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और देखिए बच्चे गए पल्ली पार, बच्चों के मुंह पे जूम मारा जाए, ये लो बच्चों के मुंह पे गया जूम, ज्यादा ही हो गया। अरे बच्चे ना दिख रहे, अरे अरे, और ये बच्चे आ रहे हैं वापस, ऋतिक आ जाओ। और ये आ गए बच्चे वापस, वो पकड़ो रोप, रोप पकड़ो, आगे। बहुत बढ़िया, ऋतिक के मजा आ रहे हैं। तू इस वाले पे जाइयो, वो तो भाई भी कर देंगे। बहुत बढ़िया,
जय बैंड पैर बंद कर ले तो उसके सर पे लगेंगे। अगर हाथ छोड़ दो तो इसमें पलटी खा जाएंगे। ओ तेरी ओ भिड़ा दी ये तो बहुत बढ़िया। रोप पकड़ो गाइस, अब मेरा हो रहा है ड्रेसअप। यहाँ से इसको पकड़ने के लिए कहा है भैया ने, ऑन हो गया वो तो भैया ने कहा इसको पकड़ने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? हीरा लाल। हीरा लाल जी के साथ हम राइड करने जा रहे हैं ये। हीरा लाल जी कब से कर रहे हो? देवेंद्र ने की 2-3 साल से। हमारे दर्शकों से अनुरोध है इस स्टंट को घर पे ट्राई की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बड़ा ही जोखिम भरा और जानलेवा साबित हो सकता है। इसके लिए अंडर एक्सपर्ट की जरूरत होती है, जैसे अंडर एक्सपर्ट है। तो जा रहे हैं हम। नहीं हीरा लाल जी इसको टाइट कर देना, मैं एक ही लड़का अपने माँ बाप का। सो अब ये हो गया है बैकअप और यहाँ से मैं जा रहा हूँ। मेरे को आधा डेढ़ करवा देना, मजा आएगा। चलो रेडी। ओए मनु पहुंच गया। क्या हो गया भैया? कोई बात नहीं, हमारे पहला इशारा सही गया। हेलो हो गया मैं। कैसा लगा आपको? आपको कैसा लगा सर? भाई आपको कैसा लगा? भाई ये वाले जो झटते थे ना, ये सावन के झूले वाले जो साजन आपका नाम ही है। चल रहे हो तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस एक्टिविटी में, बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा मन किया। ये हीरा लाल जी, पन्नाल जी, देवेंद्र नेगी जी, जाओ तो आगे दिखाते हैं। फाइनली गाइस, बड़ी ही जद्दोजहद के बाद अब हम आ गए हैं वशिष्ठ टेंपल के पास। थोड़ा सा ही ऊपर है यहाँ से और ये एक व्यू देखें आप। यहाँ पर ये पार्किंग है और ये देखें पहाड़ का नज़ारा, क्या खूबसूरत आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल ट्रैकिंग करनी थोड़ा सा ऊपर है यहाँ पर, फिर हम लोग आगे की जानकारी आपको देते हैं वशिष्ठ टेंपल की। ओके
बरसात होने लगी है यहाँ पर। ये देखें गाइस, ये नेचुरली गर्म पानी निकलता है इस कुंड से। अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है इतना गर्म पानी है, मुझे नहीं पता ये लोग कैसे नहा रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी था और खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और 20-30 सेकंड के बाद सब मरा। कहते हैं यहाँ पे कुदरती जो है गर्म पानी निकलता है। सो अभी तो हो गई ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारे पॉइंट्स हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बस की तरफ, तो मिलते हैं बस में। फाइनली गाइस, अभी जो है उसी टेम्पल हमने विजिट कर लिया है और अब हम वॉल्वो की तरफ जा रहे हैं। पहले थोड़ी सी चाय पी रहे हैं, अगर वहाँ पर जाकर डांट पड़ती है तो छोटी मामी का नाम लगाया जाएगा, उन्होंने मुझे चाय पी दी। हाँ, तो इस ट्रिप में क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा गुनगुन आप बताओ। प्लानिंग बड़े मज़ेदार थी हमारी, भी अच्छी हमने बहुत सारा खेला। पैराग्लाइडिंग मिस हो गई मेरी, बस टाइम भी चक्कर में। अगली बार बुड्ढो बुड्ढो को नहीं लाएंगे। हाँ, अगली बार बुड्ढो बुड्ढो को नहीं लाएंगे। बच्चे बच्चे आएंगे, हाँ ज़्यादा मज़ा आएगा। बहरहाल कोई बात नहीं, कुल्हड़ की चाय अभी तैयार होने वाली है, बड़े मामा वहाँ खड़े हुए थे, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है निकलने में। 10-15 मिनट तो और लगेंगे, तो देखते हैं चाय भी थी बात कुल्हड़ की चाय। तो गाइस, ये है व्यास नदी जो कि पहाड़ों में से आ रही है और पंजाब की तरफ जा रही है। इट्स टूरिस्ट की यहाँ पर आना थोड़ा सा आना थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है। और यहाँ पर देखिए हमारे बच्चे जो हैं उधम काट रहे हैं। और इस ब्लॉग का टाइटल रहेगा गाथा आदिपुर से चांदपुर तक की। और यहाँ पे हमारे मामा जी फुल फोटो शूट करा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया। और अब मैं भी फोटो शूट कराता हूँ, रुको फिर दोबारा व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। अरे सो गाइस, अभी यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है, बड़े बड़े फोटोग्राफर आए हैं, बॉलीवुड बाल बार बनाए गए, मोनू भाई का फोटो शूट हो रहा है। दिखाओ मोनू भाई का फोटो शूट, दिखाओ बाल बनाने। अब हम खा रहे हैं भुट्टे, इन भैया के, भैया क्या नाम आपका? अंतराज हंस भैया के भुट्टे, इनके पास नहीं मिलेंगे छुट्टे। हम तो दिख ही नहीं रहे इतनी दूर से। गाइस मनाली है तो भुट्टा जरूर खाएं, काफी टेस्टी है। सबसे बड़ी बात है ये व्यू बड़ा प्यारा है, लेकिन दिन ब दिन इसकी जो खूबसूरती है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि लोगों ने मकान बना लिए, होटल्स बना लिए हैं, ये वादियाँ ख़त्म होती जा रही हैं धीरे धीरे। मेरे पीछे ये व्यास नदी आप देख सकते हैं, पीछे मैं अब वॉल्वो स्टैंड पर हम जा रहे हैं। यहाँ देखें भुट्टा महफिल चल रही है सबकी, ये मोनू भाई चलो, और ये मामी। मोनू भाई भुट्टा ऊपर करो अपना, चेयर्स।
भाई का नाम हंसराज हंस, दिल टूटे टूटे हो गया। अरे मामा जी सही भुट्टा चाप रहे हैं, मजा आ रही है बहुत। और गाइस हम रोड पार कर रहे हैं, हम देखो यार। और गाइस देखो गंदे झरने का पानी यहाँ पे मनाली में। ये आंटी है, ब्लॉक ब्लॉक पे लोग। ये आंटी नाम बताइए अपना। रेखा देवी। रेखा देवी नाम है आंटी का। गाइस जब भी आए मनाली वॉल्वो के स्टैंड पे आंटी से जरूर मिले, बहुत अच्छा प्राइस देती हैं और बहुत अच्छे अंडे बनाती है, मैगी बनाती है और चाय बनाती है। देवर बोल दो कम टू मनाली। मैं बोलो कम टू मनाली। बोलो बोलो आंटी, बोलो आंटी, बोलो 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 कम, बोलो कम कम टू मनाली। वो बहुत बढ़िया शाबाश। हमारी वॉल्वो जो है लेट हो गई है और मोनू भाई ये देखो कैसे लाल लाल हो रहे हैं। चल। और ये हमारे राजा भाई देखो इन्हें। सो फाइनली गाइस मनाली से हम निकल रहे हैं, वॉल्वो के स्टैंड पे खड़े हैं। पीछे मामा जी सफेद जैकेट दिख रही होगी मामा की, और जैकेट दिख रही है और कुछ दिख रहा। सो ठंड बहुत हो रही है और अब हम मनाली को अलविदा कह रहे हैं। गाड़ी 4:30 की थी, फिर 6:30 की, अब 7:30 की है। पिछले 3 घंटों से हम यहीं पर इंतजार कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही गाड़ी कब जाएगी। ड्राइवर साहब अपनी मन की कर रहे हैं, अगर कुछ बचता है तो दिल्ली में फिर से मुलाकात होगी, वरना तब तक के लिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। जय हिंद जय भारत। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, गुड बाय। बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ सेम भैया, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। क्या करें, जितना खुशी से आई थी उतना ही अब चेहरा उतर में जा रहा है। छोटे से बच्चे को देखिए, अपने घर के छोटे से बच्चे को देखिए अभी रियल में। सो गाइस अभी हमने खाना वाना खा लिया, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और टेम्परेचर तकरीबन -10 डिग्री, बहुत तेज हवा चल रही है, सर्दियों के चाटे। ओहो सामने से गाड़ी आती हुई 2 बत्ती जल रही है इसमें और हम खड़े 1.5 करोड़ की गाड़ी के पास। यही है हमारी गाड़ी जिसमें हम घर जा रहे हैं और विजय कुमार जी अंदर पहुंच चुके हैं, जो कि 1.5 करोड़ के मालिक हैं इस गाड़ी के, और वो सब कुछ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और ये राजा भैया 1.5 करोड़ की गाड़ी के पास खड़े हैं। और ये मामा जी, आज मामा जी ने रिवर क्रॉसिंग करी एक्टिविटी, मामा जी कैसा लगा फिर उसमें? बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया। मजा आ गया उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ जब बच्चों ने आपको मना कर दिया आपको पैराग्लाइडिंग नहीं करनी? बहुत उस टाइम बहुत बुरा लगा, दिल टूट गया, टूट गया, बिल्कुल टूट गया दिल मेरा। ऐसी उम्मीद नहीं करी थी, नहीं करी थी। खैर कोई बात नहीं, हमने भी नहीं करी, अगली बार फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन बच्चों ने मना करा उनको नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, सही बात। खाने के बाद सारे यात्री आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। और ये सचिन भैया, ये राजा भैया, और देखो सब फ्लैट हो चुके हैं, कितनी विकेट गिर चुकी है यहाँ पे। सबकी आंखों में नींद और थकान। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पानीपत और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगेगा तकरीबन दिल्ली पहुंचने में। 4 घंटे? अच्छा ही 4 घंटे बता रहे हैं ड्राइवर साहब, तो 1.5 से 2 घंटे कह रहे थे ना। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे ना ड्राइवर साहब? ये भाई ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब इधर आ जाओ ट्रेन में। ये रहे हमारे ड्राइवर साहब, ये हमें लेके आए मनाली से और दिल्ली जा रहे हैं। और ये हमारे विजय कुमार जी, विजय कुमार जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं हमारी। अरे गुस्सा हो रहा है, अच्छा अच्छा इनकी बना लो। ये सर आपका नाम भूल गया, मनोहर, मनोहर जी है। ये हमें मनाली से अब दिल्ली लेके जा रहे हैं और 1.5 से 2 घंटे में दिल्ली में पहुँचा देंगे। सर वहीं उतरेंगे ना आज का समय? मजनू का टीला उतरेंगे। चलिए तो अभी वहाँ पर मुलाकात होगी आपसे, फिर से वीडियो में जोड़ेंगे आपको, तब तक मनोहर जी हमारे साथ लगाएंगे फिर ले जाते हैं। तो गाइस अब हम पी रहे हैं चाय सरताज ढाबे की, लेकिन चाय जो अच्छी लगी थी मामा यादव के भांजी की। हाँ मामा जी, चाय वाली ज़्यादा अच्छी है मामा यादव की? नहीं, मामा वाली अच्छी, मामा यादव वाली है ना, मामा यादव की ज़्यादा अच्छी चाय। और देखो यहाँ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं हमारे,
बस के जब ऐसे पड़ा था जब कोई नहीं मांग रहा था वालों से कुछ बुक नहीं कराना है कोई भी पैकेज इन्होंने बड़ा साख्ती करी हमारे साथ एजेंसी हमको भाई नहीं एजेंसी भाई नहीं बोलते कुछ हो रहे हैं बताते कुछ हो रहे हैं और गाड़ी 1.5 करोड़ की बता रही है ये सफर रहा बड़ा ही खूबसूरत और टूर था बहुत ही प्यारा अब पता नहीं कब मौका मिलेगा इन सब के साथ फिर से यही घूमने गाइस हम घर पर आ चुके हैं अगर ये व्लॉग अच्छा रहा तो इसे अपलोड कर दूंगा वरना नहीं थैंक यू सो मच आपने इतना सारा प्यार दिया अभी तक तो अगले व्लॉग में मिलते हैं स्टे ट्यूनिंग विद अस yeah.